नमस्कार, मैं अनुष्का और बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी, तो चलिए बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी अब तक की खबरों की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद ने निकाली रिक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने तकनीकी अधिकारी के कुल मिलाकर 650 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट http://ecil.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। पीएमसीएच में नए बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का काम हुआ शुरू। पीएमसीएच में बनने वाले 5462 बेडों के नए भवन का शिलान्यास होने के बाद अब काफी तेजी से ही नई बिल्डिंग बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत निर्माण के पहले चरण में पीएमसीएच के कॉटेज, कैदी वार्ड और लावारिस वार्ड को तोड़ा जाएगा, जिसके बाद खाली जगहों पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दौरान कैदी वार्ड में इलाज करा रहे सभी कैदियों को अधीक्षक आवास में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए अधीक्षक आवास की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम रखा जाएगा। पटना पुलिस के अलावे पीएमसीएच के सुरक्षा गार्ड भी कैदियों पर नजर रखेंगे। वहीं पीएमसीएच के लावारिस वार्ड में भर्ती मरीज को इमरजेंसी के ऊपर के कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। बिहार सरकार ने निकाली लैब टेक्नीशियन के लिए भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में नौकरी का नया अवसर आया है। बिहार हेल्थ सोसाइटी ने लैब टेक्नीशियन के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योग्यता की बात करें तो बायोलॉजी से इंटर पास, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी का डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। आवेदक सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मार्च 2021 तक है। राजस्व विभाग ने जारी की राजस्व ADM की रैंकिंग। जमीन संबंधी विवादों के तय समय पर निपटारा हो सके, इसके लिए राजस्व विभाग अधिकारियों के कामों की समीक्षा कर रहा है। इसके तहत अब विभाग ने राजस्व ADM की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में जहानाबाद के ADM एक बार फिर से पहले स्थान पर आए हैं, वहीं नवादा दूसरे स्थान पर, जबकि समस्तीपुर, मुंगेर और कटिहार के ADM क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आए हैं। मधेपुरा, सुपौल, शेखपुरा और बांका की स्थिति भी खराब है। राजस्व विभाग ने फिसड्डी रहने वाले अधिकारियों को काम में सुधार लाने की चेतावनी भी दी है। मंत्री बनने के बाद शाहनवाज हुसैन ने मांगी बिहार की जनता से राय। बीजेपी से विधान पार्षद चुने जाने के बाद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस भरोसे से केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार भेजा है, सीएम के नेतृत्व में उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में श्री बाबू के सपनों को पूरा करना चाहता हूं। उद्योग धंधे के क्षेत्र में प्रगति लाने और बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार देना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा उन्होंने विदेशी निवेशकों को बिहार आकर उद्योग के लिए आमंत्रित करने की भी बात कही। ट्रेड लाइसेंस को लेकर पटना नगर निगम ने दी व्यापारियों को राहत। अब व्यापारियों को लाइसेंस की ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के साथ प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन और पैन नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। पटना नगर निगम की कमेटी ने इसके लिए नियम तैयार किए हैं। इसके तहत अब व्यापारियों को यह भी आजादी दी गई है कि वे भविष्य में अपने व्यापार के प्रकार और क्षेत्रफल में बदलाव कर सकते हैं। कमेटी के फैसले के अनुसार ट्रेड लाइसेंस के आवेदन की समय सीमा भी 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। उसके बाद आवेदन करने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कल शाम सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे 2 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से कैबिनेट विस्तार में जदयू की आनुपातिक हिस्सेदारी की शर्त को पूरा करने की मांग रख सकते हैं। लिहाजा पीएम मोदी से उनकी यह मुलाकात खास होने वाली है, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार पीएम से मिलने वाले हैं। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने का भी अनुमान है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनुकूल राय की। अनुकूल राय एक बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के साथ साथ निचले क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं। हाल ही में उन्हें आईपीएल में मुंबई की टीम का बतौर हिस्सा देखा गया है। हालांकि अब तक अनुकूल को मुंबई की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन चेन्नई के खिलाफ उन्हें मयंक मारकंडे की जगह टीम में शामिल किया गया था। अनुकूल राय का जन्म 30 नवंबर 1998 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। अनुकूल के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी, 2017 में झारखंड के लिए अपनी एक ही शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी, 2018-19 में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। उन्होंने 21 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 2018 में झारखंड के लिए 2020 की शुरुआत की। शिक्षा विभाग ने अध्ययन अवकाश को लेकर जारी की सूचना। हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों के शिक्षकों के अध्ययन अवकाश को लेकर विभाग ने गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके तहत कहा गया है कि अध्ययन अवकाश का उद्देश्य शिक्षक व पुस्तकालाध्यक्ष को बेहतर सेवा का विकल्प मुहैया कराने के साथ साथ उनका ज्ञान संवर्धन और उसका उपयोग वर्ग संचालन में किया जाना है। सूचना में यह भी कहा गया है कि सेवा काल में अधिकतम 3 साल के लिए ही अवैतनिक अवकाश मिलेगा और इस अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही प्रधान अध्यापक को भी यह अवकाश मिल सकेगा। यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को अध्ययन अवकाश इसी शर्त पर मिलेगा कि वे अवकाश के बाद उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य दें जितनी अवधि तक उन्होंने छुट्टी ली है। राशन कार्ड से जुड़ा यह काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा राशन। अब राशन कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अगर आपके राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर अंकित नहीं है तो राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको राशन नहीं मिलेगा। इसके तहत आप 31 मार्च से पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आप अपने नजदीकी जनवितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ जाकर उसके यहाँ सभी सदस्यों के आधार नंबर अंकित करा सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का चार्ज देना होगा। अगर किसी सदस्य की आधार से लिंक पहले से ही कर ली गई है तो उसे फिर से कराने की जरूरत नहीं है। लोजपा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में लोजपा एनडीए का हिस्सा है, मगर फिर भी जदयू और लोजपा की आपसी तकरार साफ रही है। इस क्रम में केंद्र में लोजपा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब में कहा है कि चुनाव में उन लोगों ने जो किया था वो सबको पता है। यह भाजपा को देखना है कि क्या करना चाहिए। लोजपा को हम कोई खास नोटिस में नहीं लेते। आपको बता दें कि चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने पर उन्हें सफलता तो हासिल नहीं हुई थी, मगर एनडीए खासकर जदयू को इसका नुकसान जरूर झेलना पड़ा था। कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू। बिहार में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में जिला स्तरीय कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 फरवरी से लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च तक है, जबकि डाटा में सुधार के लिए 9 मार्च तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि कुल पदों में 13 पद वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक के साथ नाट्यकला में पीजी, पीजी डिप्लोमा, नृत्य या संगीत में पीजी, ललित कला, कला इतिहास में मास्टर इन फाइन आर्ट्स की डिग्री होना चाहिए। बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन होगा आज। संस्कृत और युवा विभाग की ओर से आज खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है। यह समारोह कंकरबाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किया गया है। इसके तहत 361 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 4 प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में आपको बता दें कि बिहार के 11 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को भी शूटिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा। पहली बार विधायक बनते ही जयंत राज को नीतीश कुमार ने बनाया मंत्री। जदयू ने जयंत राज को जिला का पहला मंत्री बनाया है। वे पहली बार विधायक बनने के साथ ही मंत्री भी बन गए हैं। उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनने के साथ ही इनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वे बांका जिले से सबसे कम उम्र के विधायक बनने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि जयंत राज को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता जनार्दन मांझी जदयू से 3 बार विधायक रह चुके हैं। रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा लेने की तैयारी कर रही है सूबे की सरकार। बिहार के हाई और प्लस टू स्कूलों में अब रिटायर्ड शिक्षकों से सेवा ली जाएगी। यह फैसला सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षक नियोजन में रुकावट को देखते हुए विकल्प के तौर पर लिया है। इसके तहत अब संविदा पर रिटायर्ड शिक्षकों को बहाल किया जाएगा। इस सेवा शर्त के अनुसार ऐसे शिक्षकों को 900 रुपये प्रतिदिन मेहनताना मिलेगा, जबकि महीने की सैलरी करीब 22,500 रुपये होगी। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी किया जाएगा।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति आज ही के दिन दी थी। महात्मा गांधी के हरिजन वीकली का प्रकाशन 1933 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। भारत में 1955 में पहली बार अखबारों का प्रकाशन आज ही के दिन शुरू हुआ। भारतीय क्रिकेटर वीनू मार्कंड ने 1959 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में आज ही के दिन खेला था। राजद ने सीएम नीतीश को दिल्ली यात्रा पर दी सलाह। सीएम नीतीश अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बाबत राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पीएम मोदी से करें। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, कृषि आधारित उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाने की भी मांग की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बिहार का हक केंद्र सरकार से लेना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी को मजबूत करने में जुटे सीएम नीतीश। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को मजबूत करने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी परिषद में भी कई बड़े फैसले हुए थे। संगठन को मजबूत करने के लिए उन फैसलों को जमीन पर उतारने का निर्देश पार्टी नेताओं को दिया गया है। कड़ी में नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कृषि कानून काला कैसे? बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी से यह सवाल किया है कि कृषि कानून काला कैसे है। अपने बयान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इनकी चुप्पी यह साफ बताती है कि काला कृषि कानून नहीं बल्कि इन कानूनों पर देश को गुमराह करने वालों के मन है। उन्होंने कहा कि यह बात साबित हो चुकी है कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध केवल एक राज्य तक ही सीमित है और सिर्फ चंद वोट हासिल करने के लालच में कांग्रेस व कुछ और राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को उकसाया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उप मुख्यमंत्री को दिए सुझाव। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उद्योग और आईटी सेक्टर से संबंधित कई जरूरी सुझाव डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को दिए हैं। आने वाले बिहार बजट में उद्योग के जीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे के निपटारे के लिए विशेष राशि का प्रावधान का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि नए उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाना चाहिए। वस्तुओं के भुगतान में देर होने पर शुल्क और दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावे चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए। साथ ही आईटी की बड़ी कंपनियों का डेवलपमेंट सेंटर पटना में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आरजेडी कर रही है बंगाल असम में चुनाव लड़ने की तैयारी। आरजेडी आने वाले बंगाल चुनाव और असम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रही है। इसे लेकर राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बयान दिया है कि दोनों ही राज्यों में पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में उतरेगी। आपको बता दें कि श्याम रजक को पश्चिम बंगाल और असम का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने दोनों राज्यों का दौरा भी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ बातचीत भी चल रही है। सब कुछ सही रहने पर आरजेडी टीएमसी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। इसके साथ ही आरजेडी असम में भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। राजद महासचिव ने कहा कि भाजपा को हराना उनका एकमात्र लक्ष्य है जिसके लिए पार्टी कोई भी कदम उठाएगी। चेन्नई में टेस्ट मैच हारने के बाद आकाश ने टीम में इस स्पिनर को शामिल करने की कही बात। इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद विराट कोहली की फजीहत भी देखने को मिल रही है। वहीं अब टीम में बदलाव को लेकर भी दबाव बनना शुरू हो गया है जिसके तहत भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने अगले मैच में टीम में बदलाव की बात कही है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि खेले जाने वाले अगले मैच में कुछ बदलाव के साथ उतरने की बात कही है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को टेस्ट टीम में लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल को जल्द से जल्द शामिल करना चाहिए। हालांकि दूसरे टेस्ट के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे लेकिन बायो बबल को देखते हुए उनको तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तीसरा टेस्ट अहमदाबाद में खेला जाएगा। जानकारों की माने तो इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद टीम अब दबाव में आ गई है। नंबर 1 स्थान पर पहुंचा टेलीग्राम ऐप।
आज के समय में सोशल मीडिया पर वक्त बिताने वाले यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद युवाओं से लेकर सभी वर्ग के लोगों को अक्सर एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते देखा गया है, जिसके बाद अब इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर टेलीग्राम सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। इसने टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया है। डाटा एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में टेलीग्राम दुनिया भर का मोस्ट डाउनलोडेड नॉन गेमिंग ऐप माना जा रहा है। माना जा रहा है कि टेलीग्राम को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर हुए विवाद का सीधा फायदा मिला है। राजीव कपूर के चौथे को लेकर करीना कपूर और नीतू कपूर ने दी जानकारी। बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर ने अपने एक और भाई को अलविदा कह दिया है। 9 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के कारण राजीव कपूर ने आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद पूरे खानदान में इस समय शोक की लहर देखने को मिल रही है। वहीं उनके पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनके चौथे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत नीतू कपूर और करीना कपूर ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने चौथे की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना को देखते हुए राजीव कपूर का चौथा नहीं किया जाएगा। यह सावधानियां बरतने के चलते ही तय किया गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरा राज कपूर परिवार शोक में है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,010 रुपये था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,010 रुपये था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,600 रुपये था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 90.03 रुपये प्रति लीटर था, वहीं डीजल 82.92 रुपये प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, दिलीप कुमार यादव, साहिल कुमार, रवीश कुमार यादव, श्वेता राय, प्रदीप असलम, राज, तरुण कुमार, ओमकार सिंह, संजय कुमार, उजाला चौधरी, मुकेश कुमार, शंकर यादव, पूजा कुमारी, गुनगुन कुमार, मकसूद हसन, रविन्द्र पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब यूं ही देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार के मशहूर गायकों में से आपके पसंदीदा गायक कौन है? तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।